इनकम क्या थी और एशिया टेलीकॉम में 2021 के बाद जाने के बाद तुम्हारी क्या इनकम थी? सर यहाँ आने के पहले तो कुछ खासली इनकम नहीं थी, 10-12 हज़ार 15 हज़ार के करीब करीब कमा लेते थे, लेकिन इधर से जाने के बाद में मैक्सिमम तो भी 1000 रुपये दिन के आने 30,000-40,000 के करीब करीब कमा लिए सर। पर जो अपडेट में आप आए हो तो किसी प्रकार की कोई फीस लग रही है? नहीं नहीं सर, कोई फीस तो नहीं। को मनाना पड़ा कि सर मेरे को अपडेट दे दो, अपडेट दे दो, इस टाइप की कोई बात हुई थी? नहीं नहीं सर, कितनी बार बोला और आपकी सीट रिजर्व हो गई है? कुछ नहीं, एक बार कॉल किया सर, बोला आना है, तुमने बोले आ जाओ कभी भी, तो आ गया सर, बस आ गया। फिर उसके बाद में रिस्पॉन्स तो ऐसा मिल रहा है, और क्या होना, और क्या पूछना है, और कुछ पूछना है क्या? यहाँ तक कि तेरे को और कोई समस्या होंगी तो बता दो अभी। देव सर का थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि उनके उनके इंस्टीट्यूट में ही डबल से आने का चांस मिला, और पूरे एशिया टेलीकॉम को थैंक यू कहूँगा कि बैकअप के लिए विदाउट चार्ज बुलाए। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हमारे साथ है बैकअप क्लास के स्टूडेंट। आज जैसे हमारी हर महीने की तारीख होती है, 9 तारीख को जबलपुर आना होता है स्टूडेंट को और 10 तारीख से क्लास होती है, और आज हो रही है 13 तारीख, मतलब 10 तारीख को सपोर्ट मिला इनको, 11 तारीख को सपोर्ट मिला इनको, 12 तारीख को मिला और आज 13 तारीख है, और सॉरी 12 तारीख है, 10, 11 और 12, 3 दिन का इनकी बैकअप की क्लास होती है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? शुभम शाकुर है। शुभम शाकुर है, कहाँ से हो भाई? महाराष्ट्र से, भंडारा से। महाराष्ट्र भंडारा से। तो शुभम ये बताओ आप मेरे को कि 2021 से आने के पहले तुम्हारी इनकम क्या थी, और एशिया टेलीकॉम में 2021 के बाद जाने के बाद तुम्हारी क्या इनकम थी? सर यहाँ आने के पहले तो कुछ खासली इनकम नहीं थी, 10-12 हज़ार 15 हज़ार के करीब करीब कमा लेते थे, लेकिन इधर से जाने के बाद में मैक्सिमम तो भी 1000 रुपये दिन के आने 30,000-40,000 के करीब करीब कमा लिए सर, और उसमें भी नहीं हो रहा है अभी, और ज़्यादा कमाने का है तो अपडेट के लिए आ गए, और ज़्यादा कमाएंगे इधर से जाने के बाद। तो यहाँ पर जो अपडेट में आप आए हो तो किसी प्रकार की कोई फीस लग रही है? नहीं नहीं सर, कोई फीस तो नहीं। को मनाना पड़ा कि सर मेरे को अपडेट दे दो, अपडेट दे दो, इस टाइप की कोई बात हुई थी? नहीं नहीं सर, कितनी बार बोला और आपकी सीट रिजर्व हो गई? कुछ नहीं, एक बार कॉल किया सर, बोला आना है, तुमने बोले आ जाओ कभी भी, तो आ गया सर, बस आ गया। फिर उसके बाद में रिस्पॉन्स तो ऐसा मिल रहा है, और क्या होना, और क्या पूछना है, और कुछ पूछना है क्या? यहाँ तक कि तेरे को और कोई समस्या होंगी तो बता दो अभी, अब भी ठीक कर देते हैं। शुभम ये बताओ मेरे को कि अगर कोई इंस्टीट्यूट में जाता है, कोई इंस्टीट्यूट में जाता है और जाने के बाद क्या 30 दिन की पढ़ाई पर्याप्त है क्या उसके लिए, या 2 महीने की पढ़ाई पर्याप्त है क्या उसके लिए? नहीं सर, कंटिन्यूली 1 साल भी बैठा लोगे तो भी कुछ होने वाला है नहीं। सीखेगा कब? जब खुद प्रैक्टिस करेगा कुछ वो प्रॉब्लम जाने के बाद प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद उसके बग्स निकलेंगे, उसके कोई प्रॉब्लम आएंगे, वो सॉल्व नहीं होंगे, तब उसको ज़रूरत गिरेंगी अपडेट की, और एक बार से भी अपडेट से होगा नहीं, फिर जब जब अपडेट मॉडल आते रहेंगे, अपडेट अपडेट कुछ ना कुछ, वो तो पढ़ा नहीं होगा, फिर अपडेट के लिए आना पड़ेगा, जाके और काम करेगा, और कुछ प्रॉब्लम आएंगे फिर अपडेट के लिए आना पड़ेगा। एक दिन में तो सीख नहीं सकता है, या 1 साल में भी कंटिन्यूली नहीं सीख सकता। अगर कोई वो इंस्टीट्यूट ऐसा होता कि 2 टीचर या 1 टीचर पे चलाता रहता, तो क्या वो बैकअप सपोर्ट दे सकता था, वो मैनेजमेंट कर सकता था, नहीं, वो कॉलिंग कर सकता था, वो MMC पढ़ा सकता था, वो सॉफ्टवेयर पढ़ा सकता था एक ही टीचर? नहीं नहीं सर, यहाँ पर सभी का काम अलग अलग है, सभी टीचर का काम अलग है। ऐसे टेलीकॉम में बताइए, MMC वाले सर अलग है, सॉफ्टवेयर वाले अलग है, हार्डवेयर वाले अलग है, प्रैक्टिस वाले अलग है, थ्योरी वाले अलग है, सब अलग अलग है, मैनेजमेंट वाले अलग है, सभी अलग अलग। क्या भूमिका है देव सर की, क्या भूमिका है? देव सर तो सब पूरे इंस्टीट्यूट के मास्टर माइंड है, और ऊपर तो से आनर कौन है ऐसे टेलीकॉम के? देव सर है, देव सर आनर है, वो आनर ही टीचर है। यस सर, कि उन्होंने मतलब नहीं, नहीं, कि उनको कुछ आता नहीं और बड़े भी टीचर लगा नहीं, नहीं नहीं सर, वो खुद आनर है, और थेरी तो उनकी इतनी गजब है, इतनी गजब है कि एक बार अगर से उनकी थेरी नोट डाउन भी कर लिए और कभी भी अगर से प्रॉब्लम आए तो वो देख लिए तो मैक्सिमम तो समझ में आ जाएगा, बाकी तो अपने हैंड स्किल पे है। इन देव सर का थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि उनके उनके इंस्टीट्यूट में ही डबल से आने का चांस मिला, और पूरे एशिया टेलीकॉम को थैंक यू कहूँगा कि बैकअप के लिए विदाउट चार्ज बुलाए।
बड़े प्यार से बैकअप भी दिए, बड़े प्यार से समझाए पढ़ाए। बैकअप क्लास के लिए आए थे तुम्हारे, तुम जो नोट डाउन करके आए थे उसमें क्वालिटी हैंडसेट भी लेके आए थे जी सर। तो आपका जो लेके आया था डाउट वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर पूरे क्लियर हुआ। तो खाली क्या तुमको यहाँ 3 दिन का बैकअप मिला यहाँ से जाने के बाद? जब आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम के माध्यम से जो भी हम सपोर्ट देते हैं तो उसमें सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? वो तो हमेशा मिलता है सर, गए तब से मिल रहा है, सभी टीचर देते हैं, आज से नहीं तो अभी से नहीं मिलेगा। वो जब से हम यहाँ इंस्टीट्यूट से गए हैं जनवरी में, फरवरी में गए हैं, तभी से ये तो मिल ही रहा है सर और मिलते रहेंगे आगे तक के। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?